ओम साई राम। सब साई भक्तों को प्रणाम। मेरे बाबा की ओर से सब भक्तों को आशीर्वाद। कैलाश हरे कृष्ण दास। ये चार मंत्र हैं बाबा के चरणों में, जो शिरडी में बाबा रोज सुनते हैं। हमने प्रयास किया, कंपोज करके बाबा के चरणों में अर्पण किया, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और आखिर में एक बाबा की ओर से अच्छी न्यूज भी देना चाहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन साईं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन साईं श्री राम। जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा सबको सम्मति दे साई राम। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम सब भक्तों के भाग्य विधाता
भाग्य विधाता परम पिता सुनाए परमात्मा प्रेम के सागे आनंद सागे दिव्य दृष्टि के विधाता प्रेम के सागे आनंद सागे दिव्य दृष्टि के विधाता परम पिता परम खुशखबर आपको सुनाना चाहते हैं। अभी अभी बाबा का साक्षात्कार हुआ है और बाबा ने हमें आदेश दिया है कुछ करने के लिए, इसलिए मेरे प्रेमी भक्त साई दयालु भक्त से कुछ प्रोत्साहन और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हम बताना जा रहे हैं। शिरडी में ही पास में ही आधा एक किलोमीटर में एक प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें साई दयालम मधुर साई दयालम का स्टूडियो निर्माण होने जा रहा है। उसमें बाबा के मधुर मधुर भजन, जैसे बाबा स्वीकार कर रहे हैं
और आप जैसे साईं भक्तों के लिए बहुत ही मधुर मधुर भजनों का कंपोजिशन बाबा के करीब होने जा रहा है। इसलिए साईं मधुर, साईं दयालम मधुर स्टूडियो और साईं दयालम भक्त निवास, ऐसा एक सात मंजिली इमारत साईं भक्त निवास। जो भी साईं भक्त आएंगे उनको कम से कम मेंटेनेंस चार्ज के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। और जिसे भी दिक्कत जाती है देश विदेश से, भारत के जो भी साईं भक्त हैं उनके लिए हम सुविधा प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके लिए आपका प्रोत्साहन, आपका आशीर्वाद साईं भक्तों का हम मांगने जा रहे हैं। और स्टूडियो का भी निर्माण होगा, बाबा को आप जैसे साईं भक्तों को मधुर भजन और निवास की व्यवस्था करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे में सब डिटेल दिया रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स बैंक का। तो आप भक्तों से यही प्रार्थना है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करें मेरे साईं दयालु साईं भक्त। शिरडी के साईंनाथ महाराज की जय। जय साईं राम। इस महामारी को बाबा बहुत ही जल्दी छुटकारा दिला देंगे। जिस प्रकार बाबा ने चक्की पीस पीस कर आटे का उस शिरडी में जैसा किया, वैसे भारत वर्ष में पूरा फैला के इस महामारी को जल्दी ही निजात मिलेगा। और पूर्ववत जैसी खुशहाली थी वैसी जल्दी ही मिलेगी, ये हम प्रार्थना करते हैं। जय साईं राम।